गुड मॉर्निंग बेटा। देखो बेटा, हमने इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन पढ़ी थी किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन हमने पढ़ी थी जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। आज हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेटा देखो, जीरो ऑर्डर में रेट कॉन्स्टेंट के, तब हमने डिराइव किया तो हमारे पास क्या आया था? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही आया था रेट कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या था? रेट कॉन्स्टेंट। के क्या था? रेट कॉन्स्टेंट। ए नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और टी था बेटा टाइम, ठीक है। फिर हमने जीरो ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ टाइम निकाला था। तो जीरो ऑर्डर के अंदर बेटा हमारा हाफ लाइफ टाइम क्या आया था? हाफ लाइफ टाइम आया था ए नॉट अपॉन टू के। तो हमने देखा था इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ए नॉट क्या है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। के क्या है? रेट कॉन्स्टेंट। ये हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर में। तो एक हमने देखा के रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला और एक हाफ लाइफ टाइम का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो, रेट कॉन्स्टेंट के का फॉर्मूला क्या था? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए, ठीक है। तो K यहाँ पे क्या था? K था रेट कॉन्स्टेंट। K क्या था? रेट कॉन्स्टेंट। T इज हेयर टाइम। A नोट क्या था? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A नोट क्या था? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। भाई T टाइम के बाद हमारे पास कितनी कंसेंट्रेशन बची, ओके। यहां देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने कहा था 5 ग्राम टू रेड्यूस बाय 3 ग्राम, मींस स्टार्टिंग में हमारे पास 5 ग्राम थी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए नोट। अब उसमें से 3 ग्राम रेड्यूस हो गई, मींस कम हो गई, तो अब हमारे पास कितनी बचेगी बेटा? 2 ग्राम। तो इस केस में हम ए को क्या लेंगे? 2 ग्राम। क्लियर हुआ? अगर ये हमें ऐसे दे देते 5 ग्राम टू रेड्यूस्ड 2, 3 ग्राम, मीन्स स्टार्टिंग में हमारे पास 5 ग्राम थी, अब खत्म होके हमारे पास 3 ग्राम हो गई, तो यहां पे ए क्या लेंगे? 3 ग्राम। तो ये ध्यान रखना, 2 रेड्यूस बाय और 2 रेड्यूस 2, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हमने हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम क्या आया था? 0.693 अपॉन के। तो हमने देखा था इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। आज मैं तुम्हें इस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही न्यूमेरिकल्स करवा रही हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, मैंने कहा जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वाच 1.24 × 10⁻²⁻ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज 0.2 × 10⁻²⁻ मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट इफ इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और इसका क्या निकालना है? रेट कॉन्स्टेंट कितना होगा? अभी तक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कॉन्स्टेंट के का फॉर्मूला क्या था? 2.303 अपॉन टी log a नॉट बाय a। तो यहां देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 वाज दिस,
इट मीन्स ये हमें क्या दे दिया, ए नोट 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2. द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, टाइम भाई 60 मिनट के बाद कंसेंट्रेशन ये हो गई, तो ये हमें क्या दे दिया, ए क्या दिया, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2. अब हमें ए नोट पता, ए पता, टी पता, के निकाल लेंगे. देखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना बेटा, 60 मिनट. लो ए नोट बाय ए, तो ये क्या आएगा, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 0.1 ये क्या आ जाएगा बेटा, 0.62. अब इस पॉइंट्स को हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 6.2. ठीक है, लॉग 6.2 की वैल्यू हम लॉग टेबल से देख लेंगे, उसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेट कांस्टेंट के. और यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, देखो बेटा मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, ये किस में था, मिनट में, तो रेट कांस्टेंट के यहाँ से यूनिट आएगी मिनट इनवर्स. क्या आएगी बेटा, मिनट इनवर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट की एक यूनिट क्या आती है, मिनट इनवर्स. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने कहा ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स. हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रेड्यूस्ड टू 3 ग्राम. ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स तुम्हें क्या निकालना है बेटा, टाइम. विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, तो इनिशियल कितना हो गया 5 ग्राम, टेक टू रेड्यूस टू 3 ग्राम मीन्स कितना हो गया अब 3 ग्राम, तो ए क्या लोगे 3. अगर यहाँ पे ये होता ना टू रेड्यूस बाय मीन्स 5 ग्राम था, अब वो 3 ग्राम से कम हो गया तो हमारे पास बचता कितना 2 ग्राम. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है टू रेड्यूस टू मीन्स 5 ग्राम से कम होके 3 ग्राम हो गया. ओके, तो ए नोट क्या 5 और ए 3. तो यहां से देखो बेटा टाइम निकालने क्या फॉर्मूला था, 2.303 अपॉन के लॉग ए नोट बाय ए. तो टाइम निकालना है 2.303, के की वैल्यू कितनी है बेटा 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लॉग 5/3. तो बेटा देखो अगर हमारे पास ऐसे आए लॉग m की पावर लॉग m अपॉन n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा लॉग m माइनस लॉग n. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे आए लॉग m इंटू n, तो इसको हम क्या लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n. अगर हमारे पास ऐसे आए लॉग a की पावर x, तो इसको क्या लिखेंगे x लॉग a. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले यूज होंगे. तो यहाँ पे क्या है लॉग m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लॉग 5 माइनस लॉग 3. तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3. बेटा लॉग 1 से लॉग 10 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं हमें लॉग टेबल से देख लेंगे हम. लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.6991 और लॉग 3 कितना होता है 0.4771. यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम आएगा बेटा 44.27. अब बात आई यूनिट की, तो टाइम किस में आएगा सेकंड में, क्योंकि यहाँ रेट कांस्टेंट यूनिट क्या थी सेकंड इनवर्स, तो टाइम किस में आएगा सेकंड में. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, मैंने तुम्हें कहा द हाफ लाइफ टाइम
The half lifetime for radioactive decay. The half lifetime of radioactive decay of carbon 14 is 5730 years. Okay. An archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon 14. Find the age of the sample. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. तो देखो, मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर में तुम्हें ये बताया था कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के केस में हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगी. ठीक है, तो यहां तुम्हें क्या दे दिया, हाफ लाइफ टाइम. मीन्स तुम क्या लिखोगे, टी हाफ. क्या दे दिया हमें, टी हाफ. कितना दिया टी हाफ, 5730 years. एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल्स, मीन्स तुम्हें इसका टाइम ही निकालना है. क्या निकालना है, टाइम. कि वुड हैड ओनली 80%, मीन्स स्टार्टिंग में हम कितना लेके चलेंगे बेटा, 100%. परसेंट की बात आ गई तो स्टार्टिंग में कितना है, 100. अब उसके अंदर कितना बचा है, वुड के अंदर 80%. तो ए क्या लोगे, 80. क्लियर हुआ. अब बेटा क्वेश्चन में हाफ लाइफ टाइम दे देना, तो सबसे पहले तुम हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला लगाओगे. क्या, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था फर्स्ट ऑर्डर में, 0.693 अपॉन के. तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, के की. के क्या आएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ. तो यह क्या आएगा बेटा, 0.693 अपॉन टी हाफ 5730. ये के की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या निकालना है, टाइम. तो बेटा रेट कांस्टेंट के पता चल गया, क्या निकालना है, टाइम. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए. बेटा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है ये. यहां से टाइम निकालना है, क्या लिखोगे, 2.303. के की वैल्यू क्या है, 0.693 अपॉन 5730 लॉग ए नॉट कितना है बेटा, 100, और ए 80. कैंसिल हो गए ये, तो ये क्या आएगा, 5 और ये 4. तो टाइम क्या लिखोगे यहां से, टाइम आएगा 2.303 अपॉन 0.693 इनटू 5730 लॉग एम अपॉन एन. तो क्या लिखोगे, लॉग 5 माइनस लॉग 4. तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 5730 लॉग 5 की वैल्यू बेटा 0.6991 लॉग 4 0.621. ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम आएगा बेटा 1845 ईयर. टाइम कितना आएगा, 1845 ईयर. मतलब कितना टाइम लगेगा उसकी, मतलब वो कितना पुराना सैंपल है, 1845 ईयर्स अगो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स. ठीक है, रेट कांस्टेंट दे दिया हमें. हमें कहा फिर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू. ओके, तो यहां देखो क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के दे दिया बेटा तुम्हें, कितना 60 सेकंड इनवर्स. कितना दिया, 60 सेकंड इनवर्स. फिर कहा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स. मीन्स हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी कुछ, मैंने कहा वो 1 है. अब क्या कहा है कि कितना टाइम लगेगा इसकी कंसंट्रेशन को 1/16 होने में. तो हम क्या कहेंगे, क्या दिया हुआ बेटा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स
1 by 16 means a की वैल्यू कितना होने में 1 upon 16 होने में. ठीक है, क्या पूछा है? टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या फॉर्मूला था? रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय a. तो रेट कांस्टेंट k तो पता है, टाइम निकालो तो इधर टाइम लिख लेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट बाय a. तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log a नॉट कितना है 1 और ये 1 अपॉन 16. तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 16 log 16. अब बेटा log 16 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 4 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा. 4 4 जा 16. अब ये क्या हो गया? देखो ये इस फॉर्म में आ गया log a की पावर x. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? x log a. तो ये क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 2 log 4. यस और नो? तो 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 log 4 की वैल्यू 0.621. तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. अब तो हमारे पास इसका टाइम आएगा बेटा 0.0462 सेकेंड. ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. 4A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, हमें ये कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो टाइम लगेगा 99% कंप्लीशन के लिए वो 2 टाइम्स होगा T90 के लिए. हमें ये प्रूव करना है बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट हम कहेंगे टाइम 99% के लिए क्या लगेगा? तो T99%. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो फॉर्मूला 2.303 अपॉन के लो. अब बेटा 99% के लिए टाइम बताना है तो हम स्टार्टिंग में कितना लेके चलेंगे? 100%. और 100% में से 99% रिएक्शन हो गई तो हमारे पास कितनी बचेगी? 1 बचेगी ना. हाँ, चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो बेटा 100-99 या सीधा लिख लो 1, एक ही बात है. तो टाइम फॉर 99% को क्या आएगा? 2.303 अपॉन के लॉग 10 की पावर 2. तो बेटा ये किस फॉर्म में आ गया? लॉग ए की पावर एक्स. तो इसको हम कैसे लिखते थे? x log a. यस और नो? तो ये क्या आएगा? देखो T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और ये क्या आएगा बेटा? 2 log 10. log 10 की वैल्यू 1. तो ये क्या आएगा? T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 2. इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, दूसरा किसके लिए निकालना है? T90 के लिए. तो इसमें भी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे बेटा. हम कहेंगे T90%. तो क्या आएगा? 2.303 अपॉन के log. स्टार्टिंग में कितना लेके चले थे? 100. अब 90% कंप्लीट हो गया बेटा. तो 100% लेके चले थे, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है. तो हमारे पास कितना बचेगा? 10 बचेगा. कितना बचेगा? 10. चाहे हम इसको ऐसे लिख ले 100-90. तो T90% क्या आएगा? 2.303 अपॉन k log 100 अपॉन 10. तो log 10 की वैल्यू 1. तो यहां से T90% क्या आया हमारे पास? 2.303 अपॉन k. ठीक है, इसको मान ले हम इक्वेशन सेकेंड. क्या मान ले? इक्वेशन सेकेंड. अब क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को कंपेयर करेंगे. तो क्या कहेंगे? T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2
डिवाइडेड बाय के अपॉन सेकंड क्या है टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के. तो बेटा 2.303 अपॉन के से 2.303 अपॉन के कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा t 99% अपॉन t 90% इज इक्वल टू 2. तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि t 99% क्या होगा 2 टाइम्स होगा किसके t 90 के. t 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 90. क्लियर हुआ भाई ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ठीक है बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हें कई बार मिलेगा जो तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे यूपी वगैरह होंगे मेगा टेस्ट वगैरह में. तो देखो ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स. इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम वाज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बोर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स. ठीक है क्वेश्चन समझो बेटा. इसमें कहें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो एक प्रोडक्ट हमारे पास 90 स्ट्रोंशियम आया जिसकी हाफ लाइफ टाइम इतनी थी. अब बेटा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है तो यहां क्या लगेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और उसका हमें क्या दे दिया हाफ लाइफ टाइम 28.1 ईयर. ये क्या है इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम वाज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन ऑफ न्यूली बोर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम की जगह न्यूली बोर्न बेबी 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम को एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या गई इनिशियल कंसेंट्रेशन. ठीक है हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन मीन्स हमें क्या निकालना है ए निकालना है कितना बचेगा. देखो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन कितना बचेगा आफ्टर 10 ईयर्स. एक बार तो क्या निकालना है बेटा 10 साल में और दोबारा हमें क्या निकालना है टाइम 60 ईयर्स में. ठीक है तो यहां देखो हाफ लाइफ टाइम देते ही सबसे पहले क्या लगाना है बेटा फॉर्मूला हाफ लाइफ टाइम का टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. तो यहां से के क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन 28.1 के आ गया हमारे पास. अब क्या निकालेंगे पहले आफ्टर 10 ईयर्स फर्स्ट हम क्या सोल्व करेंगे 10 साल के बाद कितना बचेगा आफ्टर 10 ईयर्स. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा After 10 years, तो K is equal to 2.303 upon T log A naught by A. तो K क्या है 0.693 upon 28.1 ये 2.303 upon 10 log. स्टार्टिंग में कितना है बेटा 1 माइक्रोग्राम A निकालना है तो क्या आएगा ये देखो 0.693 into 10 upon 28.1 into 2.303 is equal to log 1 minus log A. Log 1 0, तो यहां से minus log A. किसके इक्वल आया 0.693 into 10 upon 28.1 into 2.303. ठीक है तो माइनस इधर चला जाएगा. इस पूरे को सोल्व करेंगे फिर हम इसका A की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या करेंगे एंटी लॉग करेंगे. क्या करेंगे एंटी लॉग. तो वहां से हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी बेटा ए की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है सेकंड पूछा है बेटा कैलकुलेशन कर लेना अपनी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है निकाल लेंगे. फिर पूछे 60 साल के बाद वही यहाँ पे जब हमने टी लिखा ना टी 10 लिखा था ना तब हम 60 के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ 10 की जगह क्या यूज कर लेंगे 60. क्या यूज कर लेंगे 60 और सारा प्रोसीजर क्या रहेगा सेम रहेगा. ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें मैंने कहा ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
takes 40 minutes for 30% decomposition. Takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. Calculate T half. ये क्या है? First order reaction 40 मिनट लेती है. किसके लिए? 30% decomposition के लिए. उसका half lifetime बताना है. तो बेटा half lifetime बताना है तो formula क्या था? T half is equal to 0.693 upon K. तो हमें पहले K की value निकालनी पड़ेगी. किस किसके लिए? Half lifetime निकालने के लिए. तो अब K कहाँ से निकालेंगे बेटा? हमें कहा कि 40 मिनट लेती है. कितना time लेती है बेटा? 40 मिनट. किसके लिए? 30% decomposition. 30% टूटने के लिए. Means starting में हम कितना लेंगे? 100%. अब उसमें से 30% decompose हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 70. कितना बचेगा? 70. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे K. K का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में K is equal to 2.303 by T log A naught by A. तो K is equal to 2.303. टाइम कितना है बेटा? 40 मिनट्स. log 100 by 70. कैंसिल. तो K is equal to 2.303 upon 40 log m upon n. तो log m minus log n. तो क्या लिखोगे बेटा? log 10 minus log 7. ठीक है. तो k is equal to 2.303 upon 40 log 10 की value 1, log 7 की 0.8. तो यहां से बेटा हमारे पास k की value आएगी 8.918 into 10 की power minus 3 minute inverse. ओके, k आ गया. अब हमसे पूछा half lifetime था, तो k किस value को यहां put करेंगे? तो क्या आएगा? T half किसके इक्वल आएगा बेटा? 0.693 upon K. और K हमने निकाल लिया क्या आया? 8.918 into 10 की पार minus 3. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? half lifetime. तो half lifetime हमारे पास आएगा 77.7 minute. ओके, क्लियर हुआ ये? तो बेटा देखो वही फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं. एक तो k is equal to 2.303 upon t log a naught upon a और दूसरा half lifetime is equal to 0.693 upon k. थैंक यू.